भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्र बिंदु इंदिरा गांधी के 100वें जयंती के मौके पर असम के धुबरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। इंदिरा ने अपने पापा के राष्ट्रीय स्तरीय संस्था की 1947-1964 तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। उनके इस योगदान को देखते हुए उन्हें सन 1959 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1964 में उनके पिता के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेता बनने के संघर्ष को छोड़ दिया और लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने की ठानी। शास्त्री की मृत्यु के बाद विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हराया और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनकी 100वीं जयंती के मौके पर आज असम के धुबरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे धुबरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट उत्तम कुमार सरकार ने की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के जिला स्तरीय नेता और कार्यकर्ता सहित जनता भी उपस्थित रही। असम से संवाददाता नूरुल अमीन की रिपोर्ट।